भी अंदर हो जाओ। सदगुरु डिजाइनर वेडिंग कलेक्शन हैंड पिक्ड फैब्रिक्स एंड प्रीमियम ब्रांड्स सदगुरु स्टोर नगीना बाग अजमेर। अजमेर एसीबी की टीम को गुरुवार शाम को एक बड़ी सफलता मिली है। अजमेर नगर निगम की रेवेन्यू इंस्पेक्टर थी रेखा जेसवानी, उन्हें उनके घर बी ब्लॉक पंशील स्थित जो घर है वहां से 3,000 रुपये की रिश्वत के साथ में ट्रैप किया है। ये रिश्वत परिवादी कमलेश हैं जो बजरंगगढ़ चौराहे पर नींबू सिकंजी का ठीला लगाते थे, उनसे मंथली रिश्वत ली जाती थी। 3,000 रुपये की रिश्वत आज देर शाम वो रेखा जेसवानी को घर पर देने के लिए गए और घर पर जब रिश्वत देने के लिए गए तो एसीबी की टीम ने दबिश दे दी और दबिश के साथ 3,000 रुपये की वहां से वसूली भी की है। खास बात यह है कि रेखा जेसवानी ने जो पीड़ित परिवादी जो कमलेश है उसको साफ तौर पे ये कहा था कि वैसे तो रिश्वत की जो राशि है वो 5,000 रुपये मासिक ली जाती है, लेकिन चूंकि आप ठेले वाले हैं इसलिए 3,000 रुपये में तैयार हो गई थी। और सबसे खास बात है कि अजमेर नगर निगम की जो साधारण सभा हुई थी उसमें पार्षदों ने, बीजेपी के तमाम पार्षदों ने ठेले वालों से वसूली का प्रकरण उठाया था और उस प्रकरण के दौरान बहुत हंगामा भी हुआ था। खास बात यह है उस दौरान किसी भी अधिकारी ने कोई भी किसी प्रकार के किसी सवाल पार्षदों के सवालों का जवाब नहीं दिया था, लेकिन गुरुवार शाम जो तस्वीर अजमेर से निकल कर आ रही है वो बेहद चौंकाने वाली तस्वीर है कि किस तरीके से अधिकारी ठेले वालों से रिश्वत लेने के अंदर माहिर हैं। और जो शक पार्षदों ने सदन के अंदर पैदा किया था वो शक कहीं ना कहीं आज गुरुवार शाम को पुष्टि हो जाती है, उसकी वो पुख्ता हो जाता है। खास बात यह है कि अजमेर शहर के अंदर बेहद चौंकाने वाला एक आंकड़ा जो सदन में पेश किया गया था कि अजमेर के ठेले वालों से तो 36 लाख रुपए की वसूली अजमेर नगर निगम के अधिकारियों द्वारा की जाती है, लेकिन वहीं अजमेर के जो शादी समारोह स्थल हैं उनसे किसी प्रकार की वसूली नहीं हो पाती है। अजमेर के अंदर कमर्शियल टैक्स की कोई वसूली नहीं हो पाती है, लेकिन जो लोग सड़क के किनारे ठेले लगाते हैं उन लोगों से वसूली की जाती है। और इस प्रकरण में सबसे खास बात है कि अवैध वसूली का जो आंकड़ा है वो बहुत बड़ा होता है। पहली मर्तबा रेखा जेसवानी आज गुरुवार शाम को अजमेर में ट्रैप हुई है। पारसमल विशेष एसीबी की टीम उन्होंने गठित की थी, उनकी टीम के निर्देशन में ये पूरी कार्रवाई हुई है और रेखा जेसवानी को ट्रैप किया गया है। खास बात यह है कि हाल ही में कुछ दिनों पहले रेखा जेसवानी को एपीओ किया गया था और रेखा जेसवानी इस कोशिश में थी कि वापस से सरकार उनको अजमेर नगर निगम में तैनात कर दे, वापस उनको उनकी वही पोस्ट वापस दे दे, लेकिन उससे पहले ये हो पाता उससे पहले ही रेखा जेसवानी ट्रैप हो गई है। अब तमाम अजमेर नगर निगम के जो अधिकारी हैं जो कर्मचारी हैं उनके अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है कि रेखा जेसवानी जिस तरीके से ट्रैप हुई हैं। सवाल कई पार्षद इस वक्त उठा रहे हैं कि आखिर रेखा जेसवानी जब एपीओ थी तो इस तरीके से रिश्वत की वसूली कैसे हो रही थी। सबसे खास बात यह है कि जब हमने हमारे सूत्रों से कई ठेले वाले जो लोग हैं उनसे हमने जब बातचीत की है तो इस प्रकरण में एक खास बात भी सामने खुलकर आ रही है कि निगम के कई अधिकारी ऐसे हैं जो मंथली प्रकरण में शामिल हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि अगर एसीबी के अधिकारी इस मामले में जांच को बढ़ाते हैं या फिर सख्ती से रेखा जेसवानी से पूछताछ या और जांच करते हैं तो हो सकता है कि मंथली प्रकरण में एक बड़ा खुलासा भी हो सके कि आखिर अभी तक ये मंथली वसूली है वो कितने रुपए की हो पाई है, किन किन लोगों से होती आ रही है और ये कब से चली हुई आ रही है। खास बात ये है कि यहाँ पर ठेले वालों से और जो दूसरे अतिक्रमणकारी हैं अजमेर के अंदर उनसे अलग अलग तरीके का रेट भी यहाँ पर तय हो रखा है, जिससे कि ठेले वालों से 3,000 रुपये की वसूली, 2,500 रुपये की वसूली मासिक तय हो रखी है और उसके साथ साथ जो इनसे बड़े अतिक्रमणकारी हैं उनसे 5,000 रुपये की वसूली शहर के अंदर होती आ रही है। और ये बेहद चौंकाने वाली जो कार्रवाई है एसीबी की वो आज हुई है अजमेर नगर निगम में इस तरीके से, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे मसले हुए और जिसमें थोड़े समय पहले जब बीजेपी के एक पार्षद को ही नक्शा पास कराने के लिए ट्रैप किया गया था और उसके बाद आज अधिकारी को ट्रैप किया गया है। ये ऐसे समय में ये कार्रवाई हो रही है जबकि लोगों को चक्कर काटने पड़ते हैं कई तरीके के काम करने के लिए। अजमेर की जो कमिश्नर है चिन्मय गोपाल वो सख्ती से अतिक्रमणकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो उनके नीचे के जो अधिकारी हैं, निचले अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे रिश्वत के अंदर शामिल हैं, अवैध तरीके की वसूली का कारोबार लगातार कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवालिया निशान नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर भी खड़ा करता है।
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की स्पेशल यूनिट द्वारा आज नगर निगम की अधिकारी श्रीमती रेखा जेसवानी को 3,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रेड हैंडेड ट्रैप किया है। परिवादी कमलेश सिंधी जो फाइसागर रोड अजमेर का रहने वाला है, इसने 4/3/2020 को ब्यूरो कार्यालय में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नगर निगम की अधिकारी रेखा जेसवानी मैं और मेरे पिताजी सुभाष उद्यान के गेट नंबर 2 पर नींबू पानी और शिकंजी का थैला लगाते हैं। इस थैले लगाने और हमें डरा धमका कर पिछले 4 माह से मासिक रिश्वत राशि वसूल कर रही है और इसने पहले महीने में 5,000 रुपये लिए हैं और पिछले 3 माह से 3,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से रिश्वत राशि ले रही है और हमें डरा रही है, धमका रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर कल इसका डिमांड वेरिफिकेशन करवाया गया तो परिवादिया ने इसको पूरी राशि लेकर घर पर बुलाया था, जिस पर अग्रिम कार्रवाई करते हुए आज आरोपिया ने दोबारा इसको इसके मोबाइल पर कांटेक्ट करके घर पर बुलाया था, जिस पर आरोपिया ने बड़ी चालाकी से रिश्वत राशि इसकी घर पर खड़ी प्लेजर गाड़ी की स्कूटी की डिक्की में रखवा दी थी, जहाँ से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रिश्वत राशि बरामद कर ली है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। सर, इस तरह से हुआ था कि सर अभी मैं मेरे बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, अब ये मैडम आए दिन आती है, महीना भी नहीं होता, महीने से पहले कहती है मुझे पैसे दो, 3,000 रुपये दो, तो सर मैं कहाँ से दूँ 3,000 रुपये, जब मैं मेरे बच्चों को नहीं खिला पा रहा हूँ तो इनको क्या पैसे दूँ। मेरी स्थिति इतनी ख़राब हो गई सर, मैंने कहा क्या करूँ, फिर मुझे मेरे दिमाग में आया, मैंने सर इनको ये शिकायत ACB में करो, फिर ACB में जयपुर जा रहा था, एंट्री करप्शन ब्यूरो जयपुर, फिर मैंने मुझे किसी ने बोला जयपुर में क्यों जाता है, यहीं ACB का ऑफिस है, तो फिर उस हिसाब से सर मैं आज आया था इनके पास, ACB स्पेशल यूनिट वालों के पास आया था, कल आया था, इन्होंने बोला ठीक है जरूर कार्रवाई करेंगे, मैं इनके ऑफिस आया हूँ सर, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास इसकी, पूरी रिकॉर्डिंग, इन्होंने क्या बोला क्या नहीं, घर की रिकॉर्डिंग, ऑफिस की रिकॉर्डिंग, बाजार की रिकॉर्डिंग, पूरी रिकॉर्डिंग है मेरे पास ये सर। मेरे साथ नींबू पानी का ठेला है बजरंगगढ़ पे, सोडा शिकंजी का, 3,000 रुपये सर। सर कमलेश कुमार।